खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बताते हैं आपको कि एक वक्त था जब देश में पी चिदम्बरम की तूती बोलती थी। गिरफ्तार हुए देश के पूर्व वित्त और गृह मंत्री चिदम्बरम। आईएनएक्स मीडिया केस में चिदम्बरम की गिरफ्तारी। 31 घंटे फरार रहने के बाद चिदम्बरम गिरफ्तार। गिरफ्तारी से पहले कांग्रेस दफ्तर पहुंचे चिदम्बरम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिदम्बरम ने 5 मिनट 45 सेकंड की दी सफाई। गिरफ्तारी से पहले दिल्ली के घर में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। जोरबाग के घर में दीवार फांद कर पहुंची सीबीआई की टीम। घर में ही सीबीआई ने की चिदंबरम से पूछताछ। घर में करीब 1.5 घंटे के ड्रामे के बाद गिरफ्तार हुए चिदंबरम। चिदंबरम की हर खबर सबसे पहले सिर्फ एबीपी न्यूज पर। तो जैसा कि प्रतिमा ने शुरुआत में ही आपको बताया कि एक वक्त था कि चिदंबरम की तूती बोलती थी सरकार में। वो दौर था यूपीए 1 का, वो दौर था यूपीए 2 का, जब सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक थे चिदंबरम। अर्थव्यवस्था की बात हो तो चिदंबरम की राय सबसे अहम होती थी। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो तो भरोसा चिदंबरम की सुरक्षा कवच पर होता था। लेकिन वक्त बदल गया। वित्त मंत्री रहते हुए एक फाइल पर साइन करना चिदंबरम को इतना महंगा पड़ गया, इतना भारी पड़ गया कि चिदंबरम उसी सीबीआई के हाथों गिरफ्तार हो गए जिसके वो कभी बॉस होते थे। 31 घंटे की गिरफ्तारी से बचने के लिए चिदंबरम ने क्या नहीं किया, लेकिन आखिरकार हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद चिदंबरम अंदर हो गए। करीब 27 घंटे से गायब रहे कांग्रेस के कद्दावर नेता पी चिदंबरम आखिरकार बुधवार रात देश के सामने आए। और गिरफ्तार भी हो गए। लेकिन इस बीच सियासत के इस बड़े खिलाड़ी के चलते करीब 2 घंटे का अजीबोगरीब खेल भी चला, जिसे टीवी पर पूरे देश ने देखा। पूरे देश ने वित्त मंत्री, गृह मंत्री रह चुके एक बड़े नेता को कैमरे पर लाइव गिरफ्तार होते देखा। अब आप करीब 2 घंटे तक टेलीविजन पर चले इस पूरे नाटक का सिलसिला देखिए। बुधवार रात 8:10 पर कांग्रेस के ऑफिस में हलचल तेज हो जाती है। कांग्रेस के वो तमाम बड़े नेता जो सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील भी हैं, वो सब के सब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जुटते हैं। और फिर अचानक सबके बीच वो आ गए, 27 घंटे से जिनका इंतजार था। पी चिदंबरम अपने वकील साथियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं। 8:13 पर कांग्रेस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और फिर रात 8:15 चिदंबरम ने 5:45 तक एक लिखित बयान पढ़ा। I was working alongside my lawyers the whole of last night. Today, throughout the day, I was with my lawyers following the proceedings in the Supreme Court. I was aghast that I was accused of hiding from the law. On the contrary, I was seeking the protection of the law. Thank you very much. रात 8:21 पर चिदंबरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म किया। मीडिया के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और चलते बने। रात 8:25 पर चिदंबरम अपने घर के लिए निकले। चिदंबरम जोरबाग के अपने घर पहुंचे। इस बीच सीबीआई को खबर मिल चुकी थी कि गायब पी चिदंबरम अब प्रकट हो चुके हैं। सीबीआई की टीम भी जोरबाग में उनके घर के लिए निकली। चिदंबरम के जोरबाग वाले घर पर सीबीआई की टीम पहुंच गई और यहां पर इस 2 घंटे वाले नाटक का सबसे धमाकेदार सीन दिखता है, जब सीबीआई अधिकारियों के लिए गेट नहीं खोला गया और फिर सीबीआई टीम दीवार फांद कर घर के भीतर दाखिल हुई।
रात 9:03 पर चिदंबरम के घर ईडी की टीम भी धमक जाती है, लेकिन इस बार थोड़ी गुजारिश के बाद ही गेट खोल दिया जाता है। सबको लगा कि बस थोड़ी देर का इंतजार और क्लाइमेक्स आने ही वाला है, चिदंबरम गिरफ्तार होने ही वाले हैं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी, क्योंकि करीब एक घंटे तक सीबीआई के 20 से ज्यादा अधिकारी, ईडी के अधिकारी, सब के सब चिदंबरम के घर के भीतर ही रहे। इस बीच सीबीआई की एक गाड़ी अंदर जाती है। ये पक्का हो गया कि उसी गाड़ी में चिदंबरम को बिठाकर सीबीआई मुख्यालय ले जाया जाएगा, लेकिन गाड़ी अंदर गई और बाहर हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस के कुछ समर्थक नारेबाजी करने लगे, पुलिस से भिड़ने लगे। इस बीच घर के भीतर हिरासत में लिए जाने की कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो रही थी और आखिरकार कुल एक घंटे के इंतजार के बाद कहानी का क्लाइमेक्स आया। रात 9:48 पर सीबीआई की गाड़ी घर के भीतर से निकलती है और देश के पूर्व वित्त मंत्री, गृह मंत्री रह चुका शख्स सीबीआई अधिकारियों के बीच बैठा दिखता है। पता चलता है कि पी चिदंबरम हिरासत के लिए जा चुके हैं, बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।